नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। और अब आज हम बात करेंगे सातुड़ी तीज की आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, सातुड़ी तीज का उत्सव है और हर महिला जो अपने अच्छे वैवाहिक जीवन की कामना करती है, जीवन साथी के साथ मंगल की कामना करती है, तो सातुड़ी तीज की विधि पूर्वक पूजा करके कहानी सुने उन्हें यकीनन लाभ होता है। तो कैसे सातुड़ी तीज का आप लाभ प्राप्त करें और आप तीज उद्यापन अगर करना चाहती हैं तो किस विधि से करें, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, देर किस बात की, इस बारे में चलिए जान लेते हैं विस्तार से पंडित जी से। गुडलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ तीज माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, तीज का त्यौहार और व्रत मनाने का अवसर जो है वो 15 दिन के अंतराल में 3 बार आता है, जिसमें सावनी तीज, सातुड़ी तीज, हरतालिका तीज मनाई जाती है। सातुड़ी तीज को कजली तीज और बड़ी तीज भी कहा करते हैं। तो इस बार भादवा मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली सातुड़ी तीज का जो त्यौहार है वो दिनांक 21 अगस्त रविवार के दिन मनाया जाएगा। सातुड़ी तीज के दिन कन्याएं और सुहागिने जो महिलाएं हैं व्रत रखकर संध्या के समय नीमड़ी की पूजा करती हैं। यह त्यौहार जो है मुख्यतः महिलाओं का त्यौहार है, जिसमें महिलाएं उपवास करती हैं, व्रत करती हैं, माँ गौरी की पूजा करती हैं। अपने वैवाहिक जीवन की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत किया जाता है। कन्याएं जो हैं वो सुंदर सुशील वर और सुहागिने जो हैं वो पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, तीज माता की कथा सुनती हैं। तो आज मैं आपको सातुड़ी तीज मनाने की संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूं। आप सभी महिला दर्शक इसका लाभ उठाइए और ध्यान रखिए कि यदि आप पूर्ण दाम्पत्य सुख चाहती हैं, हमारी अविवाहित जो दर्शक हैं, महिला दर्शक हैं जो सुयोग्य जीवन साथी हैं, साथी चाहती हैं, तो इस बार सातुड़ी तीज का व्रत अवश्य कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सातु अर्थात सत्तु कब और कितना बनाना चाहिए। तो सवाया, जैसे सवा किलो या सवा पाव के सत्तू बनाने चाहिए। सातु अच्छी तिथि या वार देखकर बनाने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को सातु कभी नहीं बनाना चाहिए। आप तीज के एक दिन पहले या तीज वाले दिन भी सातु बना सकती हैं। सातु को पिंड के रूप में जमा कर लेते हैं और उस पर सूखे मेवे, इलायची और चांदी के वर्क से उसको सजाया जाता है। बीच में लच्छा, एक सुपारी या गिट भी लगा सकते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू नीमड़ी माता के लिए वो अवश्य बनाना चाहिए। तो कलपने के लिए सवा पाव या मोटा एक लड्डू बनाना चाहिए और एक लड्डू जो है वो पति के हाथ में झिलाने के लिए बनाना चाहिए। कुमारी जो कन्याएं हैं वो लड्डू जो है वो अपने भाई को झिलाती है। सातु का जो लड्डू है, सातु आप अपने सुविधा के हिसाब से ज्यादा मात्रा में या कई प्रकार के बना सकते हैं। सातु जो है वो चने, चावल, गेहूं, जो इत्यादि के किसी भी प्रकार के, जैसा आपने सोच रखा है, धारणा कर रखी है, उसके अनुसार आप बना सकते हैं। पंडित जी, सातुड़ी तीज के बारे में तो आपने बता दिया, जितने भी जो दर्शक अभी देख रहे हैं हमें उन्हें, लेकिन पंडित जी तीज का जो पूजन है उसमें क्या क्या सामग्री काम में आती है, वो सामग्री भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जल्दी से लिख लीजिएगा कि तीज पूजन की सामग्री क्या क्या है। तो एक छोटा सातु का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद या सेव, फ्रूट कोई भी हो सकता है, ककड़ी, दूध, मिश्रित जल, दूध और उसमें थोड़ा सा जल डाल के, कच्चा दूध अलग से रखना है, नींबू, मोती की लड़ या नथ के मोती, पूजा की थाली, जल का कलश, पुष्प इत्यादि, ये सब सामान जो है ये तीज पूजन के अंदर काम में लिया जाता है। पंडित जी, पूजन सामग्री की तो हमने बात कर ली, लेकिन पूजन विधि जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है,
जिसका सभी को पालन करना चाहिए, वो पूजन विधि भी जानना चाहेंगे हम आपसे। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि सातोड़ी तीज के पूजन की सही, सरल और संपूर्ण विधि क्या है। तो सातोड़ी तीज के दिन उपवास किया जाता है। सुबह सूर्य उदय से पहले धमोली की जाती है। इसमें सुबह मिठाई, फल इत्यादि का नाश्ता किया जाता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे करवा चौथ में सरगी की जाती है। तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर जो महिलाएं हैं 16 बार तो झूला झूलती हैं, उसके बाद ही पानी पीती हैं, और शाम के समय 16 सिंगार करके नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर घी गुड़ से पाल बांधकर नीम वृक्ष की टहनी को रोप दिया जाता है। उस वो छोटा सा जो कृत्रिम तालाब है उसमें कच्चा दूध मिश्रित जल भर दिया जाता है पानी की जगह, और उसके किनारे पर एक दिया जलाकर रख दिया जाता है। नींबू, ककड़ी, केला, जो मैंने आपको सामग्री बताई थी, सेब, सातू, रोली, मोली, अक्षत, सब एक थाली में रख लीजिए, और एक छोटे कलश में लोटे में कच्चा दूध भी रख लीजिए। सबसे पहले नीमड़ी माता को जल के छींटे दें, उनको शुद्ध कीजिए। तत्पश्चात में रोली के छींटे दें, चावल, अक्षत अर्पण करें उनके ऊपर। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 16-16 बिंदिया अपनी उंगली से लगाइए। कितनी बिंदिया? 16-16 बिंदिया। नीमड़ी माता को मोली अर्पण कीजिए, मेहंदी, काजल और वस्त्र ओढ़नी अर्पण कीजिए। दीवार पर लगाई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका दीजिए। 16 बिंदियां जो लगाई हैं, लच्छे पे थोड़ा सा लगा के वो लच्छे को चिपका दीजिए। नीमड़ी माता को कोई फल और चढ़ाइए और दक्षिणा भी अर्पण कीजिए। किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लौ, सातू का लड्डू इत्यादि सब वस्तुओं का प्रतिबिंब देखा जाता है, और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही ठूठे। तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही ठूठे। इसी तरह बाकी वस्तुओं के लिए भी बोलना चाहिए। इस तरह पूजन करने के पश्चात सातोड़ी तीज की कहानी सुननी चाहिए और साथ में नीमड़ी माता की कहानी सुननी चाहिए। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मचाइएगा, ब्रेक के बाद नीमड़ी माता और सातोड़ी तीज की कहानी भी सुनेंगे। जल्द वापस लौटते हैं।